अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मरल के शिकार पे आए हुए हैं। ये हमारा नया लोकेशन है, यहाँ पे पहली बार हम शिकार करेंगे। देखते हैं आज का किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। ये काफ़ी बड़ी नदी है, तो यहाँ पे लगेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे भी जाकर देखूँगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस होता है आज का। काफ़ी सारे फ्रॉग हैं, पर मैं लोकल ही फ्रॉग का इस्तेमाल करूंगा। और ये क्रोकोडाइल का रॉड है और लावा स्पिन का भी एक रॉड है, और रील जो है पाइनर आर्गोनट 6 सीरीज है। ये लो बजट में रील काफ़ी बेहतर देता है। पाइनर का जो आर्गोनट है 1200 समथिंग देता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया है इससे। काफ़ी सारी मरल मैं पकड़ा हूँ, अभी तो कुछ दिन मैं फिशिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डॉक्टर रेस्ट के लिए बोला है, कुछ दिन भैया ही फिशिंग करेंगे। ये ग्रीन कलर का फ्रॉग इस्तेमाल करने वाला हूँ आज। करने से पहले ये ड्रैग आप चेक कर लें, ड्रैग ढीला रहता है तो फिर आपको सही से प्रॉपर तरीके से जो स्नैक हेड है मरल मछली उसको हुक नहीं हो पाता है। तो ये ड्रैग आप चेक कर लें जिस हिसाब से मछली का साइज है, जैसे कि 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, उस तरह से आप ड्रैग को अंदाज पे सेट कर लें कि मैं कितना पे ड्रैग रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर हुक हो पाएगा। सही है, सही है, जबरदस्त। सीधा ऊपर उठा के लाइए। ये एक पकड़ा गया है पीछे देख के। तो क्या करे, पकड़ लिए इसको। सही है, जबरदस्त।
सीधे मूव करके निकल। घंटा से पकड़ ले क्या? उंगली लाया ये वो के पहले बाहर कर। हाँ हाँ सही है। यह बैठा दिया हुआ है ना, ये मौत मारा जाएगा। हाँ 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 जाओ। हाँ भैया चलो यार।